मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, चोलिस्तान मोबाइल स्कूल नवाकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें यहाँ सीडीए की तरफ से बुलाया गया कि टीडी दल के हवाले से हमें ट्रेनिंग दी गई, और ये कि टीडी दल अगर वहाँ आए और झुंड की सूरत में आए और रात को रहे तो मगरिब के टाइम पे हमने इनको इतला देनी है ताकि हम बर वक्त उसका इंतज़ाम कर सकें। तो ये हमें इतला दी थी, हमने यहाँ इनसे ट्रेनिंग हासिल की है, तमाम टीचर्स आए हैं और ये हमने ट्रेनिंग हासिल की है। थैंक यू। मेरा नाम फ़खर समान है, मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ट्रेनिंग शेड्यूल की गई है, ये टोबा मोबाइल स्कूल के टीचर्स हैं जो सीडीए के अंडर काम करते हैं, और ये सारे ही लोग जो है ना डेजर्ट में काम करते हैं। इनका बुलाने का मकसद ये है ट्रेनिंग का कि लोकस्ट की टीडी की पहचान हो कि टीडी क्या है, कहाँ पैदा होती है, कहाँ से आती है, और ये ग्रुपिंग स्टेज में इसके बच्चे हों या बड़ी हो, जहाँ देखेंगे ये हमें इतला देंगे। ये इतला देंगे कि टिड्डी जो है ना किस लोकेशन पे मौजूद है और उस लोकेशन से कितने किलोमीटर और किस तरफ है, और टिड्डी बच्चे हैं इसकी या बड़े हैं, या उसका साइज़ क्या है। साइज़ बता देंगे कि ये इतने स्क्वायर किलोमीटर में है, ताकि हम अपना इंतज़ाम जहाज़ के साथ स्प्रे करना है तो जहाज़ भी मौजूद है, गाड़ियों के साथ स्प्रे करना है हमारे पास गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, पेस्टिसाइड मौजूद है। हमारी जो मुमकिन अभी हमले होने हैं 15 जून के बाद बारिशें मुतवक्के हैं और टिड्डी के भी जो है ना हमले मुतवक्के हैं, उसके अगेंस्ट हमारी मुकम्मल तैयारी है। हम पिछले साल से हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में पेस्टिसाइड है, स्प्रे वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं, आर्मी एविएशन ने जहाज़ भी दिए हैं, एक जहाज़ तुर्की से भी आया हुआ है जो किराए पे है। तैयारी हमारी मुकम्मल है, इंशाल्लाह जो ही टिड्डी दल का हमला होता है, टिड्डी आती है, हमारा मकसद है फसलों को बचाना, जहाँ होगी इसको स्प्रे करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फसलों को बचाएँगे, मुल्क की मईशत का, ताकि नुकसान ना हो। रहीम, आज की हमारी ट्रेनिंग का मकसद टिड्डी दल के मुतलक है। मैं चोलिस्तान मोबाइल स्कूल टोबा उधरावाला का प्रिंसिपल हूं। आज टिड्डी दल के बारे में हमें बताया गया है कि हम कब इतला देनी है, जब टिड्डी दल आ जाए। ये भी बताया गया है कि शाम के वक्त इतला दें ताकि सुबह 8 बजे से पहले पहले हम स्प्रे करके उसको ख़त्म कर सकें, दोपहर के वक्त इतला ना दें क्योंकि टिड्डी दल अपना जो है ना रास्ता बदल लेती है और दूर चली जाती है। तो आज हमें अच्छे तरीके से सीडीए के अफसरान ने समझाया है, तो हम इंशाल्लाह बार वक्त इनको इतला देंगे कि जब टिड्डी दल आएगी तो, और अपना ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे।